जी चलिए मित्रों, तो हम थे स्थिति विज्ञान एवं गति विज्ञान पे, और कल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, किसी को याद हो तो प्लीज़ बताइए। ये लाप्लास रूपांतरण ये हो गया था, तक कर लेते। कौन सा क्वेश्चन नंबर तक? 139 प्रश्न। ओके 131 सर। जी 131 ठीक है। यस मित्रों, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था लिफ्ट मोशन वाला, और लिफ्ट मोशन में आपको बताया था कि जो त्वरण होता है, अगर गेंद ऊपर की ओर जाती है, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो त्वरण जो हुआ करता है वो एम जी प्लस ए, जो कुल लगने वाला बल होता है वो एम जी प्लस ए हुआ करता है, ठीक है ना। और हाँ बिल्कुल सही, धन्यवाद मैडम, आपने बताया क्वेश्चन नंबर 131 तक, बिल्कुल सही 131 तक कल प्रश्न हो गए थे। और बहुत अच्छा प्रश्न, मैंने क्वेश्चन नंबर 130 बताया था कि गेंद जब आती है और फिर जा करके टकराती है तो आ करके टकराने के बीच का जो कोण हुआ करता है वो 90 अंश का हुआ करता है, कल हम लोगों ने ये देख लिया था। फिर उसके बाद में ये एक बहुत अच्छा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये समझ में आया होगा। एम प्लस एम वे सेकेंड में गतिज ऊर्जा का अनुपात, जिसमें मैंने बताया था कि जो ऊर्जा का अनुपात जो होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है, मतलब गतिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, जिसको अपन लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं, और कार्य ऊर्जा प्रमेय इस तरीके से पहले भी लगाते थे हम क्लास 11वीं 12वीं में। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिए कि कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो किया गया कार्य जो होता है वही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो पिछले क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का अनुपात पूछा गया था, तो ये अनुपात हमने कल देखा किस तरीके से निकाला जाता है, ये इसकी फोटो है। चलिए मित्रों, तो आगे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 132, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 132 लगाएं, बेहद ईजी सवाल है, इसके जैसे पहले एक क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, चलिए सभी लोग प्रयास कीजिए। पहला प्रयास आपका रहेगा, फिर आप कहेंगे कि सर नहीं बन रहा है तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले करिए क्वेश्चन नंबर 132, समय शुरू हो चुका है, सभी लोग लगाइए। जिससे नहीं बने प्लीज़ बता दीजिएगा कि सर नहीं बन रहा है, समय यदि कहे कि मतलब समय ख़राब नहीं करना है, यदि नहीं बन रहा है तो बता दीजिएगा कि नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी आ गया, रुचि शर्मा मैडम का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। बहुत जल्दी आपने आंसर दे दिया मैडम, मतलब बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक समतल में एक बिंदु पर तीन बल लगे हुए हैं, P और Q के मध्य का कोण जो है 150 डिग्री है, Q और R के मध्य का कोण 120 डिग्री है, संतुलन की स्थिति में P Q R का अनुपात, तो देखिए P और Q के मध्य का कोण बना लीजिए, Q और R के मध्य का कोण 120 डिग्री दिया गया है, तो Q और R के मध्य का कोण बना लीजिए, P और Q का बना लीजिए, तो तीसरा कोण मिल जाएगा आपको 150 डिग्री मिल जाएगा, वही टोटल कोण 360 के प्रयोग से है ना, 90 डिग्री एक कोण मिल जाएगा। अब इसके बाद वो लामीज थ्योरम होती है, पी अपॉन साइन, तो पी के सामने वाला कोण कितना, देखिए पी के सामने वाला कोण 120 है, ठीक है ना, तो पी अपॉन साइन 120 इक्वल टू क्यू अपॉन साइन 90 इक्वल टू आर अपॉन साइन 150, इस तरीके से कर लेंगे तो पी क्यू आर का अनुपात आ गया √3:2:1।
चलिए, किसी को दिक्कत हो तो बताए, आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। चले आगे बच्चों, बोल दीजिए एक बार यस की नो। डन ना सर, बताइए प्लीज। यस यस ओके। अगला सवाल, दो समान बलों का परिणामी उसमें से किसी के बराबर है। देखिए बल समान है और उसमें से किसी के बराबर है, मतलब सीधी बात समान बल है, परिणामी भी समान है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, पंखे की ब्लेड, पंखे की ब्लेड में तीनों ब्लेड जो होती हैं 120 डिग्री के कोण में होती हैं, क्योंकि दो ब्लेडों का जो परिणामी बल होता है वो तीसरे के बराबर होता है। तो इसकी ट्रिक यही है कि तीनों के बीच का कोण कितना होता है, 120 डिग्री। और अगर आप दो बलों का परिणामी निकाल लें यहाँ पर तो, और परिणामी को समान कर दें तीसरे बल के, तो आंसर 120 आ जाएगा। देख लीजिए आंसर किस तरीके से किया गया है, पहला बल भी पी ले लो, दूसरा बल भी पी ले लो और तीसरा बल भी पी ले लो और फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। बताइए कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। क्या मैडम थोड़ा तेज बोलिए। सर हो गया ये वाला क्वेश्चन। बन गया? बन गया जी सर। ओके यस ओके। 120 डिग्री ही ना मैडम ने कहा है, 120 बिल्कुल सही आंसर है। 120 डिग्री पर जो है परिणामी बिल्कुल बराबर दिशाओं में होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस प्रश्न में भी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न। हाँ ये प्रश्न देखिए आपको नया है, ये नया है इस कंसेप्ट में, आपको मैं यहाँ पर नया कंसेप्ट दूंगा। तो नया कंसेप्ट ये है, लिखिए ये नया कंसेप्ट है और ये प्रश्न इसका एक आएगा। सर 134 का कंसेप्ट मैंने अभी पढ़ाया नहीं है मैम, 134 को छोड़ दिया मैंने, इसलिए उसमें बड़ा कंसेप्ट लगता है इसलिए उसको छोड़ देते हैं अभी, बाद में कभी करेंगे। ठीक है राइट नाउ मैडम ये जो है क्वेश्चन नंबर 135, उसमें क्या है, समान पदार्थ के बने हुए 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो गोले हैं, है ना, और दोनों गोलों को एक साथ जोड़ करके पूरे निकाय का गुरुत्व केंद्र बड़े गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर होगा। देखो भाई सिचुएशन क्या है, पहले ये समझो आप। इस क्वेश्चन को मैंने छोटा कर लिया। देखो समान पदार्थ का बना हुआ एक गोला 6 सेंटीमीटर का है, तो एक 6 सेंटीमीटर का गोला बना लो, ये दूरी कितनी है 6, और दूसरा गोला जो है 3 सेंटीमीटर का है, दोनों समान गोलों को एक साथ जोड़ दिया गया है। ओके दोनों को एक साथ चिपका दिया गया है गोलों को, ये दोनों गोलों को चिपका गया है, ये छोटा गोला 3 का है, ये देखिए ये 3 का है छोटा गोला। अब इनका कहीं पर गुरुत्व केंद्र होगा, इनका गुरुत्व केंद्र आप कहाँ पर मान लो, यहाँ पर मान लो, ये गुरुत्व केंद्र यहाँ पर मान लो, ठीक है ना। तो गुरुत्व केंद्र मतलब जहाँ पर संपूर्ण भार लगता है, लिख लो गुरुत्व केंद्र का मतलब क्या होता है, जहाँ पर संपूर्ण भार निहित होता है, होता है, ठीक है ना। अब गुरुत्व केंद्र पर एक थ्योरम काम करती है जिसको बोलते हैं आघूर्ण प्रमेय। गुरुत्व केंद्र के लिए एक थ्योरम काम करती है जिसका नाम है आघूर्ण प्रमेय। तो आघूर्ण प्रमेय क्या कहती है, आघूर्ण प्रमेय का मतलब होता है कुल आघूर्ण, कुल आघूर्ण मतलब सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर जीरो, सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर कितना हो गया जीरो। देखिए कुल आघूर्ण जो होता है जीरो होता है, ठीक है ना, ये कहलाती है आपकी आघूर्ण प्रमेय। इस पे आघूर्ण प्रमेय लगता है और आघूर्ण प्रमेय कहती है कि कुल आघूर्ण बराबर जीरो हुआ करता है। कुल आघूर्ण बराबर जीरो का मतलब देखिए, जैसे मान लो ये वाला गोला है, अगर इस बिंदु के परितः ये वाला गोला जो है, अगर ये वाला गोला नीचे की ओर जाएगा, ठीक है ना, ये वाला गोला कहाँ जाएगा नीचे की ओर, तो उस समय ये वाला गोला कहाँ जाएगा ऊपर की ओर, इस तरीके से। अगर ये वाला गोला इधर की ओर दबाव लगाएगा तो ये वाला गोला जो है ऊपर की ओर दबाव लगाएगा। और आघूर्ण प्रमेय कहती है कि कुल
आघूर्ण बराबर जीरो, जिसको कहते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो दो यहाँ पर केंद्र हैं। अब आइए देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, दोनों गोलों समान पदार्थ के, मतलब इसका भी घनत्व है रो और इसका भी घनत्व है रो। तो पहले वाले का द्रव्यमान निकाल लो। पहले वाले का द्रव्यमान तो आप सब लोग जानते हो कि द्रव्यमान पहले वाले का बड़ा एम ले लो, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व है रो और आयतन कितना होगा, 4/3 πr³, 6 का क्यूब। और इसका कितना होगा m, छोटा m ले लो, 4/3 π, ओके, छोटा r, छोटा r मतलब कितना है रेडियस, पाई, r है 3, रेडियस 3 है, का क्यूब इंटू रो। तो ये आ गए दोनों के द्रव्यमान आ गए, ओके। अच्छा, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, इसको ले लो केंद्र नंबर 1 और इसको ले लो केंद्र नंबर 2, यानी C1 C2 दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई साहब, 9 है। अब मान लो ये आपको द्रव्यमान केंद्र मिल रहा है, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे थोड़ा आपको अच्छा समझ में आए। आपको द्रव्यमान केंद्र मान लो ये मिल रहा है और ये द्रव्यमान केंद्र यहाँ से कितनी दूरी पर है, इसकी दूरी मान लो एक्स। हाँ, तो पहले वाले के केंद्र से इस द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी है, एक्स है। तो दूसरे वाले के केंद्र से इस वाले द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी बनेगी, 9 − x, ठीक है ना। और सुनो अब रूल क्या कहता है, अगर मान लो आपके पास में ये कोई द्रव्यमान है m1 और ये द्रव्यमान है m2 और ये इसका गुरुत्व केंद्र है और ये डिस्टेंस है एक्स और ये डिस्टेंस है वाई, तो गुरुत्व, तो थ्योरम क्या कहती है, आघूर्ण प्रमेय, आघूर्ण प्रमेय कहती है कि m1 गुणे x बराबर m2 गुणे y, मतलब गुरुत्व केंद्र के परितः है, जितना m1 का आघूर्ण बनेगा उतना ही m2 का आघूर्ण बनेगा। तो कुछ यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है, यहाँ भी ऐसा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m1 गुणे कितनी दूरी है देखो पहले वाले से x बराबर m2 गुणे 9 − x। हमको क्या निकालना है, x, क्योंकि क्या क्वेश्चन का, पूरे निकाय के गुरुत्व केंद्र के बड़े गोले से दूरी, और बड़े गोले का केंद्र कितना है, C1 है, और C1 से दूरी अपन ने क्या मान रखी है, x, तो अपन को x निकालना है। चलो वैल्यू पुट कर दो, पहले वाले गोले का द्रव्यमान कितना होगा, घनत्व गुणे 4/3 π × 6 का क्यूब × x, दूसरे वाले गोले का द्रव्यमान रो गुणे 4/3 π × 3 का क्यूब × कितना, 9 − x, 4/3 रो π, ये कैंसिल हो गया, 6 का क्यूब यानी 6 × 6 × 6 × x, और ये कितना, 3 × 3 × 3 × 9 − x, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 2, 2 × 2 = 2, 2 × 2 का गुणा कितना आ गया, 8, तो ये कितना बन गया, 8x = 9 − x। तो भैया ये इधर जाएगा, ओके, तो हो जाएगा 9x = 9, तो x बराबर कितने सेंटीमीटर आ गया, 1 सेंटीमीटर, नोट कर लो मित्रों, x बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब जो ये जो अपना द्रव्यमान केंद्र आएगा वो बड़े वाले गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर होगा, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। और इसमें लगी है मोमेंट थ्योरम, आघूर्ण प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय, आघूर्ण प्रमेय से हर वर्ष एक क्वेश्चन आता है। चलो डन, नोट कर लिया, यस बोल दो, देखो तुम लोग यस नहीं बोलोगे ना तो हम अटके रहेंगे। यस सर, यस सर। बस एक ने बोल दिया मतलब जाग रहे हो, नहीं बोला मतलब सो रहे हो, तो बल्द बोल दिया करो। चलो अगला सवाल, और जिसको समझ में नहीं आता उसकी जिम्मेदारी है भाई रोक के पूछने की, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 143, प्रश्न क्रमांक 143 पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, एक कण समतल से अल्फा कोण बनाते हुए यू वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है, इसका अधिकतम क्षैतिज रेंज कितना होगा। अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ये क्वेश्चन जिसको नहीं बन रहा है उसका मतलब मैं क्या बोल दूं भाई साहब, छोड़ दो फिर तो पढ़ाई, इतनी प्रैक्टिस कर ली उसके बाद ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं बन रहा है
तो मतलब आपने बिल्कुल पढ़ाई अभी करना शुरू नहीं करी है। चलो तो बता दो जल्दी से फिर भाई कितना होगा इसका आंसर, क्या करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अधिकतम क्षैतिज रेंज बताना है, बहुत ही सिंपल। बोलो आंसर क्या होगा। नहीं बनेगा क्या? अरे देख के करने वाला क्वेश्चन है, नहीं बनेगा क्या? अब आप भी नहीं बोलो तो हम भी नहीं बोलेंगे, बैठे रहो। सर हो गया क्वेश्चन ही वाला, कितना हो गया आंसर बोलो ना। इसका इसका आंसर डी आ रहा है सर, मैसेज कर दिया गया था। नहीं मैसेज मत किया करिए, देखने के लिए बैक करना पड़ता है, टाइम लगता है, बोल दिया करो। आंसर डी बिल्कुल सही है। अच्छा सर, बिल्कुल सही है डी, यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि 45 डिग्री के लिए परास अधिकतम होगा, साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा अपॉन जी। ओके अधिकतम परास के लिए थीटा बराबर 45 डिग्री, तो टू थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। फॉर्मूला कितना होता है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और साइन 90 इक्वल टू 1 हो गया, आंसर यू स्क्वायर बाई जी। अब आप माइक ऑफ कर लो। अगला सवाल, घर्षण गुणांक बराबर है, कई बार पढ़ा दिया भैया, घर्षण गुणांक किसके बराबर होता है, म्यू किसके बराबर होता है, बोलो करेक्ट आंसर। डी होगा क्या इसका? डी आंसर बिल्कुल सही है, घर्षण कोण की स्पर्श जा, म्यू बराबर घर्षण कोण की स्पर्श जा। अच्छा हाँ सी आंसर है, ये को स्पर्श जा, डी नहीं है, सी है करेक्ट आंसर, घर्षण कोण की स्पर्श जा। तो म्यू इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा, और थीटा के दो मान कहलाते हैं, इसी को घर्षण कोण बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, नमन कोण। तो नमन कोण की स्पर्शजा बोल दो या घर्षण कोण की स्पर्शजा बोल दो, बात बराबर है। चलिए अगला सवाल करिए, क्वेश्चन नंबर 145, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इस टाइप का, आप लोग करिए भी एक सवाल, बड़ा क्वेश्चन है। काफ़ी बड़ा सवाल है, करिए। UPPCS प्री 1994 यानी कि PGT का क्वेश्चन, पहले ये PCS के नाम से चलती थी वैकेंसी, जो अब TGT PGT हो गई, पहले इसमें इंटरव्यू भी होता था, तो उसको UPPCS बोलते थे। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए बस। चलिए ठीक है, मतलब इसमें ये दे रहे हैं ना दो बलों पी और क्यू का पढ़ना, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आइए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए चलिए कोई पर दो बोलना, देखिए देखिए सुनिए, कह रहा दो बलों का परिणामी, आप माइक ऑफ कर लो, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, जब जरूरत हो बोलना। दो बलों पी और क्यू का परिणामी आर है, तो मित्रों यहाँ पर आप क्या करो, दो बल ले लो, एक ले लो यहाँ पे पी और एक बल आपने ले लिया Q, इन दोनों के बीच का कोण कितना मान लो आप थीटा, ये थीटा ले लिया। अब इन दोनों बलों का परिणामी कितना जा रहा है, R, सपोज R जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नॉर्मल समीकरण लिख लो, पहला समीकरण क्या होता है भैया, आर स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, इसको नंबर एक बना लो, कॉस थीटा नंबर एक बना लो, काम की चीज़, उसको आपने नंबर एक बना लिया। दूसरा ये बात की बात है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर ये बात की बात है, ये अभी काम में नहीं आएगा, ये बाद में काम में आएगा। अभी क्या काम में आएगा, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि क्यू को डबल कर दिया जाए, क्यू को डबल कर दिया जाए तो आर भी डबल हो जाता है, तो आ जाओ भाई आर को डबल कर दो, आर को डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये 2R का स्क्वायर यानी कि 4R स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू को क्या कर दिया इन लोगों ने, डबल,
तो प्लस कितना हो गया 4q² प्लस कितना हो गया ये 4pq और कॉस थीटा, थीटा के साथ कोई बदलाव नहीं किया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और कह रहा इफ़ क्यू इज़ रिवर्स देन आर इज़ अगेन डबल्ड, अगर क्यू को पीछे कर दिया जाए तो भैया अगर आप क्यू को पीछे कर दोगे तो जहाँ जहाँ आप क्यू इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ वहाँ आप माइनस क्यू ले लो, क्योंकि अगर आप क्यू इस्तेमाल कर रहे हो तो दो रास्ते हैं इसको देखने के, या तो क्यू की जगह माइनस क्यू ले लो, या तो आप जो कोण है कोण बटे 180 माइनस थीटा ले लो। तो मोर बेटर आपके समझने के लिए मैं क्यू की जगह माइनस क्यू ले लेता हूँ, उस समय क्या हो रहा था, उस समय आर डबल हो जाता है, तो 4r² बराबर p² प्लस, भाई क्यू को आपने माइनस लिया तो माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही आएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस 4pq cos थीटा, समीकरण नंबर 3। बस तीन समीकरण हैं और तीन अननोन हैं, तीन वेरिएबल हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। तो आ सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं 2 और 3 को बढ़ा देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो समीकरण 2 + 3 से 4 स्क्वायर 4r² हो गया 8r², p² हो गया कितना 2p² प्लस कितना हो गया 5q², ठीक है ना। देखो 4r² हो गया कितना अपने पास 5r² बराबर 2p² प्लस कितने q² अपने पास में हो गया ये 5q², एक चीज ठीक है। इसको आप जो है नंबर 1 दे दो, नंबर ए दे दो आप इसको, ठीक है ना, इसको आप ए दे दो। आपने इसको एक बार फिर से देख लो, कुछ गलत तो नहीं किया अपन लोगों ने ना। यदि Q को दोगुना करने पर दोगुना और Q की दिशा उलटने पर R भी दोगुने हो जाता है, ठीक है, कुछ गलत नहीं किया है। तो पहले आपने इसको बढ़ा दिया, अब एक काम करो आप जो है इसका ऊपर वाले का डबल कर दो, यहाँ पे ऊपर वाले का डबल कर दो। तो ऊपर वाले का डबल करोगे तो कितना बन जाएगा ऊपर वाले का डबल करने से, सर यहाँ पे बोलिए सर, सर यहाँ पे 4 - 4 उधर से आया, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलो सर। मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे -4pq आएगा या फिर -2pq आएगा, यहाँ पे 4r² है, क्यू है, यस सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे -2pq आएगा क्योंकि क्यू थोड़ा ना डबल हुआ है। थैंक यू सो मच बताने के लिए, देखिए मिस्टेक हो रही थी मुझसे, यहाँ पे गलती हो गई मुझसे, थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही बताया, -2pq आएगा क्योंकि क्यू को तो डबल किया ही नहीं है। तो अब एक काम करते हैं अपन, अपन को इसमें इक्वेशन नंबर किस में ऐड करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट में, तो 3 और 1, तो 1 + 3 करते हैं, 1 + 3 करते हैं, तो r² + 4r² यानी कि हो गया कितना 5r² इक्वल टू 2p² प्लस 2q² 5r² इक्वल टू 2p² प्लस 2q², इसको दे दीजिए समीकरण नंबर ए। चलिए दूसरा देखो सिचुएशन क्या है कि ये अपने पास है -2, इस दोनों को तो कर लिया, अब इसको अपन को निपटाना है प्लस 4q वाले को, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें हमको किसी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दो इक्वेशन है जैसे आपके पास, इन दोनों को आपको भिड़ाना है सेकेंड को और थर्ड को, तो हमको 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बताइए आप किसके साथ, सबसे पहले हमें 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा, कोई इक्वेशन आप ही चुन लो। मैं किसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थर्ड के साथ, ओके थर्ड के साथ मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर मैं थर्ड को सेकंड के साथ लड़ा दूँगा। चलिए तो थर्ड के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 × 3rd करने पर मेरे पास कितना आएगा, देखिए 8r² इक्वल टू 2p² प्लस 2q² माइनस 4pq cos थीटा, ये थर्ड इक्वेशन में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। अब मैं इसके साथ सेकंड इक्वेशन यदि लड़ा दूँ तो 4r² को मैं यदि ऐड कर दूँ तो 4r² इक्वल टू p² प्लस 4q²
प्लस फोर पी क्यू कॉस थीटा। चलिए भाई इसको सॉल्व करिए, तो एट आर स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर हो गया 12 आर स्क्वायर इक्वल टू 3p² प्लस 6q² हो गया, ये कैंसिल कर दो। और यहाँ से चार कॉमन, तीन कॉमन कट रहा है तो ये बच गया 4r² इक्वल टू p² प्लस 2q². 4r² इक्वल टू कितना हो गया p² प्लस 2q², ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप बी सपोर्ट कर लो, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आपने बी सपोज कर लिया है 4r² इक्वल टू p² प्लस 2q². अब देखिए यहाँ से ये जो इक्वेशन नंबर ए है और इक्वेशन नंबर बी है, अगर मैं ए से बी को माइनस कर दूँ तो मेरे पास एक रिज़ल्ट आ सकता है। ए से अगर मैं बी को माइनस कर दूँ तो देखिए, यदि मैं ए से बी को माइनस करता हूँ इतने वाले पार्ट में, इतनी जगह में मैं ए से बी को माइनस करूँगा, ए माइनस बी, तो ए मेरे पास कितना है 5r² इक्वल टू 2p² प्लस 2q², और बी मेरे पास कितना है 4r² इक्वल टू p² प्लस 2q², माइनस कर दो, माइनस 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 2q² से 2q² कैंसिल हो गया, ये बचा p² और ये कितना बच गया r², मतलब p² इक्वल टू r² यानी p इक्वल टू r, ओके। मतलब जो P वाला फोर्स होगा वो R वाले फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो P वाला फोर्स होगा ये R वाले फोर्स के इक्वल होगा, P इक्वल्स टू R। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो P और R की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, P और R के इक्वेशंस आ चुके हैं। अब हमें Q के लिए एक इक्वेशन और बनाना है, तो चाहें तो वैसे हम यहाँ पर इक्वेशंस को एडजस्ट कर लें r² p² q² को इस तरीके से, तो दो इक्वेशन से ही हमारा काम चल जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2p² प्लस 2q² माइनस 5r² इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला इक्वेशन मेरे पास बन गया 2p² प्लस 2q² माइनस 5r² इक्वल टू 0, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2p² प्लस 2q² माइनस 5r² इक्वल टू कितना 0, ये इक्वेशन है। दूसरा क्या बनेगा अपने पास में, देखिए दूसरा इक्वेशन बनेगा p² प्लस 2q² माइनस 4r² इक्वल टू 0, यहाँ से बनेगा p² प्लस 2q² माइनस 4r² इक्वल टू 0, p² प्लस 2q² माइनस 4r², p² प्लस 2q² माइनस 4r² इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ चुके हैं। अब यदि क्रॉस मेथड से मैं इनको सॉल्व करूँ तो p² अपॉन में देखिए कितना आएगा 2 4 जा -8 और 2 5 जा यहाँ पे कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू -q² अपॉन 2 4 जा -8 और माइनस माइनस प्लस 5 ये आया इक्वल टू r² 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2, तो p² अपॉन कितना हो गया 2 हो गया और -q² अपॉन -3 हो गया इक्वल टू r² अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, p² अपॉन 2 इक्वल टू q² अपॉन 3 इक्वल टू r² अपॉन 2, ये हो गया। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन का क्या कहना है, क्वेश्चन का कहना है कि अगर p² अपॉन q² अपॉन r² इक्वल टू 2:3:x 2:3:x, तो यहाँ पे कंपेयर करने पर x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 2 के इक्वल। चेक करते हैं ऑप्शन में x की वैल्यू के, ऑप्शन 2 है क्या है, आंसर भी चेक करते हैं। देखो जी करेक्ट आंसर d है, बिल्कुल सही कह रहा हम लोगों ने, आंसर आ गया d। बोलिए मित्रों एक बार समझ में आ गया, यस सर। चलिए तो इसको फटाक से नोट मार लीजिए। हालांकि मित्रों मैं आपको बता दूं TGT में इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हाँ ये कि अपनी प्रैक्टिस हो गई, PGT में छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं, TGT में ये PGT का क्वेश्चन है। परंतु प्रैक्टिस करने के लिए इम्पोर्टेंट है तो ठीक है, परंतु ये छोटे क्वेश्चंस इसमें आएंगे जैसा मैं आपको बताऊँगा।
डन हो गया, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, एक समान घनत्व 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लांबिक वर्तुल शंकुल, वर्तुल शंकु मतलब राइट सर्कुलर कोन, जिसमें समकोण बनता है केंद्र पर, के केंद्र से उसके आधार की दूरी क्या है, कि केंद्र से उसके आधार की दूरी क्या है। ठीक है जी, अब ये देखिए आपको बताना है कि केंद्र से आपको उसके आधार की दूरी बतानी है। तो जो टोटल दूरी होती है, टोटल दूरी होती है केंद्र से आधार की दूरी जो हुआ करती है, वो होती है टोटल दूरी का चौथाई भाग। आगे करते हैं इसको, ये याद करने वाला है, फॉर्मूला लिखो इसको। केंद्र से आधार की दूरी x इक्वल टू एच बाई फोर, एक्स इक्वल टू एच बाई फोर, और जो ऊपर से होती है ये क्या है, आधार से दूरी, आधार से दूरी। और शीर्ष से दूरी कितनी होती है, शंकु के लिए शीर्ष से दूरी होती है 3h/4। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायरेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो भाई इसमें IMP। पिछले बार दो क्वेश्चन आए थे ऐसे वाले, एक आया था खोखले गोले का और एक आया था भरे गोले का, 2021 वाले पेपर में आया था, बच्चों को याद नहीं थे छोड़ के आए थे। आ जाओ देख लो भाई, तो एक शंकु बना लो, ये शंकु बना लिया आपने, लंब वृत्तीय शंकु भी बोलते हैं इसको, वर्तुल शंकुल भी बोलते हैं। ये देखो भाई, शंकु की कुल ऊंचाई आपको किस्मत वाले यहाँ पे 12 दी गई है, नहीं तो स्लैंट हाइट दे देता, उससे भी निकालनी पड़ती त्रिक ऊंचाई से। अब ये 12 है तो यहाँ पर इसका गुरुत्व केंद्र हुआ करता है इधर पे, ओके। और गुरुत्व केंद्र जो होता है ऊपर से 3/4 ऊंचाई और नीचे से 1/4 ऊंचाई, आधार से दूरी कितनी होती है h/4, तो यहाँ पे h/4 जो नीचे वाली दूरी निकलेगी वो ये है, बराबर 12/4। आंसर कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो टोटल अपने पास कितना है, 12 है, तो ऊपर की दूरी 9 बनेगी और नीचे की दूरी क्या बनेगी, 3, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। मित्रों बताओ समझ में आ गया? यस सर, आ गया। चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, द रिएक्शन फोर्स आर इज 5 न्यूटन और म्यू आर इक्वल टू इतना है, तो बताइए क्या होगा। देखो भाई इतना इजी क्वेश्चन है, म्यू आर इक्वल टू 5√3/3, करो सॉल्व करो, बहुत ही घटिया क्वेश्चन। आर की वैल्यू दी है, पहले रख करके काट कूट दो, फिर बताओ घर्षण कोण कितना होगा। बनेगा नहीं बनेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल दिया गया है 5 न्यूटन, घर्षण बल इतना दिया गया है, तो घर्षण कोण कितना होगा बताइए। क्या हुआ, भाग गए क्या लोग? नहीं सर, नहीं सर, डी डी। 7 लोग तो जुड़े हैं अभी। हाँ बोलिए सर, आया नहीं बनेगा क्या? बन गया, कितना है, डी, बिल्कुल सही है, करेक्ट जवाब। चलिए 5/6 करेक्ट आंसर। चलिए सबको बन गया, जिसको नहीं बना पूछ लीजिए। अगला सवाल, हाँ, संहिता और त्वरण का गुणनफल, बच्चों वाला क्वेश्चन 9वीं 6वीं क्लास का। संहिता मतलब द्रव्यमान, त्वरण मतलब ए, और द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है, बल होता है। लियो भैया बल, F=ma, कुछ करना ही ना इसमें। चलिए त्रिज्यीय त्वरण का फॉर्मूला, अगर कोई आपके पास समतलीय कर्व है जो कि r बराबर f थीटा पर गतिमान है, ओके, अगर आपके पास कोई कण है और वो कण r बराबर थीटा के फलन पर गतिमान है, ये लीजिए, ये कोई त्रिज्या आर का वक्र है और थीटा बदलने के साथ साथ त्रिज्या बदल रही है,
ये इस पे गतिमान है तो इसका त्रिज्यीय त्वरण, त्रिज्यीय त्वरण मतलब कि त्रिज्या की दिशा में लगने वाला जो त्वरण होता है, एक होता है स्पर्शरेखीय त्वरण और एक होता है त्रिज्यीय त्वरण, तो ये कहलाता है त्रिज्यीय त्वरण। तो त्रिज्यीय त्वरण का फॉर्मूला लिखिए मित्रों, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, इसको रट लीजिए, ये त्रिज्यीय त्वरण का फॉर्मूला है। डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये त्रिज्यीय त्वरण का फॉर्मूला है, ठीक है। 150 क्वेश्चन हो गया, 150 के बाद 51 में किसी खोखले गोले का एक व्यास के परतः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। हाँ भाई साहब, कौन सा गोला है? खोखला गोला। तो खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण मैंने आपको रटवा रखा है, पिछले बार भी बताया, भरे गोले का भी बताया, खोखले गोले का भी बताया। अगर गोला खोखला है तो इसके व्यास के परतः जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? 2/3 mr². अगर गोला भरा हुआ है तो इसके व्यास के परतः जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? 2/5 mr². तो खोखला गोला है तो इसका कितना आएगा आंसर? 2/3 mr². ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, मतलब ऑप्शन क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। बोलो मित्रों, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि प्रक्षेप वेग दिया गया और क्षैतिज समतल में महत्तम परास प्राप्त करनी हो तो प्रक्षेप कोण कितना होगा? काफ़ी बार कर चुके, बोलो कितना होगा? फोर्टी फाइव, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनंत की ओर कण पृथ्वी सतह से जिस वेग पर पहुंचता है वह वेग कितना होगा? देखो भैया, अब एक जितने वेग से आप उसको फेंकोगे उतने वेग से बाहर की ओर पहुंचेगा, ठीक है ना? जितने वेग से आप उसको फेंकोगे वो उतने वेग से बाहर की ओर पहुंचेगा, जितने वेग से आप उसको फेंकोगे उतने वेग से वो बाहर की ओर पहुंचेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 154, आपको इसे क्या कह रहा है? अनंत से आता हुआ एक कण पृथ्वी की सतह पर जिस वेग से पहुंचता है, तो मतलब जो कण है वो अनंत में था और आ क्या रहा है? पृथ्वी की सतह पर। तो देखिए, ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर त्रिज्या कितनी है? R, और यहाँ पर ये आ रहा है कण, और इस पर ये क्या है? अनंत पे है, तो अनंत पे आएगा और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना? तो मान लीजिए ये अनंत से यहाँ तक आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, यहाँ तक ये अपनी गतिज ऊर्जा लेकर के आएगा, यहाँ तक ये गतिज ऊर्जा लेकर के आएगा, और इस बिंदु पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? स्थितिज ऊर्जा इस बिंदु पर हुआ करती है mgr, क्योंकि धरती की सतह से कितनी ऊँचाई पर है? mgr। तो क्या कंसेप्ट लगता है ऊर्जा संरक्षण का? गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 mv² बराबर m g r। स्थितिज ऊर्जा m से m कैंसिल, v² बराबर हो गया 2gr, और तो v बराबर कितना हो गया? √2gr। नोट कर लीजिए, बोलिए सही है, समझ में आ गया? सर यस। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, वैसे मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो भेजता ही हूँ ग्रुप में, तो कोई चिंता नहीं है, बाद में भी कर सकते हो आप लोग। चलो अगला सवाल। एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में यू वेग से फेंका जाता है, प्रतिरोधक माध्यम में फेंका जाता है, एक कण एच ऊंचाई तक जाता है, वापस प्रारंभिक स्थान में लौटता है। भाई फिजिक्स का फंडामेंटल कंसेप्ट है, अगर आप किसी कण को जितने वेग से फेंकोगे ये उतने ही वेग से टकराएगा, मतलब यदि फेंकने का वेग यू था तो टकराने का वेग भी क्या होगा? यू होगा, बस दिशा बदल जाएगी। तो वी बराबर दिशा के साथ बोला जाए तो माइनस यू, और अगर परिमाण के साथ बोला जाए, अगर परिमाण के साथ बोला जाए तो वी बराबर यू।
तो देखते हैं इसमें दिशा में है आंसर कि परिमाण में है। परिमाण में है, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यू बराबर वी। नोट करिए, क्योंकि जितने वेग से फेंकोगे उतने वेग से ही टकराएगा, चाहे वो प्रक्षेप हो चाहे कुछ भी हो। कल भी बताया था मैंने, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कल मैंने बताया था कि अगर आप किसी को फेंकते हो यू वेग से, तो जाते समय इसका वेग यू होता है कुल वेग, और टकराते समय भी इसका कुल वेग क्या होता है, यू होता है। बोलिए समझ में आ गया मित्रों कि और ज़्यादा बताऊं? क्लियर है जी सर, हो गया। अगला सवाल 156, जब किसी कण को बल एफ के अंतर्गत गतिशील किया जाता है। अरे भाई साहब कितना सरल सवाल दे दिया इन लोगों ने। देखिए भैया एफ बराबर कितना होता है, एम ए, और सदिश लगा दो तो एफ बराबर ए सदिश। द्रव्यमान तो अदिश है तो सदिश ले नहीं सकता, मतलब बल की दिशा बराबर किसकी दिशा, त्वरण की दिशा। तो बल हमेशा किस दिशा में लगेगा, त्वरण की दिशा में। तो भैया कंसेप्ट बना लो, बल की दिशा बराबर त्वरण की दिशा, क्योंकि एफ बराबर एम ए है। तो आंसर देखो कहाँ होगा, उसका त्वरण सदैव गति की दिशा में होगा, उसका त्वरण सदैव एफ की दिशा में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए 156 का, है ना। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, डी, बिल्कुल सही। उसका त्वरण हमेशा, उसका बल हमेशा त्वरण की दिशा में होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, क्लियर? क्लियर सर। चलिए ओके जी, अगला क्वेश्चन है, दो सैटेलाइट जिनके द्रव्यमान M1 और M2 है पृथ्वी की चक्र कक्षा में चक्र में काट रहे हैं, त्रिज्या है, तो उनके वेग V1 और V2 हैं, तो बताइए उनका कौन सा रिलेशन सही होगा। सुनो जी, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, दो द्रव्यमान है जिसमें M1 बड़ा है M2 से, ठीक है। देखो जी आप, दो उपग्रह हैं, दो उपग्रह हैं जिसमें M1 M2 है और R1 बड़ा है R2 से, मतलब ये मान लो ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऑर्बिट में दो सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं, एक ये काट रहा है जिसका द्रव्यमान है M1 और त्रिज्या है R1, और दूसरा जो है वो जिसकी त्रिज्या रेडियस कितनी है ऑर्बिट में R2 है और द्रव्यमान कितना है M2 है, ठीक है ना। द्रव्यमान अपने पास में कितना है M2 है, और ये अपने पास में क्या है सैटेलाइट है M, सैटेलाइट मेन वाला सैटेलाइट क्या है जिसका नाम है M, सॉरी सैटेलाइट ये दोनों उपग्रह ये हैं, ये अपनी अर्थ है, धरती है ये। चलिए अब देखिए ये जो है इनका कह रहा है इनके वेग, तो वेग का अनुपात, तो भैया कक्षीय वेग का फॉर्मूला याद कर लो, कक्षीय वेग, कक्षीय वेग बराबर होता है अंडर रूट जी आर, कक्षीय वेग बराबर होता है अंडर रूट जी आर, ठीक है, कक्षीय वेग बराबर होता है अंडर रूट जी आर। और ये जो होता है द्रव्यमान के पदों में कितना होता है अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर, यस, द्रव्यमान के पदों में होता है अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर, ठीक है, अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर। एम क्या होता है, एम धरती का द्रव्यमान, एम जो होता है वो होता है धरती का द्रव्यमान। चलो ये हो गया, एम जो होता है धरती का द्रव्यमान। अब देखो यहाँ से क्या बना, कक्षीय वेग, तो वी बराबर कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट आर, मतलब जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी उसका वेग क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर किसकी त्रिज्या ज़्यादा है R2 की, तो R2 की त्रिज्या बड़ी है R1 से, इसलिए V2 छोटा होगा और V1 बड़ा होगा, मतलब V2 छोटा और V1 बड़ा, उल्टा लिख गया भाई साहब, बी आंसर करेक्ट है इसका। V2 एक मिनट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड R1 ग्रेटर देन R2, उल्टा डायग्राम ही मैंने उल्टा बना दिया, ये R1 ले लो ये R2 ले लो, डायग्राम मैंने उल्टा बनाया मित्रों, ध्यान से देख लो।
त्रिज्या आर वन बड़ी है और आर टू छोटी है डाई। इसमें देखो क्वेश्चन में आर वन ग्रेटर देन आर टू, देखो ऐसी ऐसी गलतियाँ पेपर में होती हैं। आर वन ग्रेटर देन आर टू, ठीक है ना, मतलब वी वन वी टू चोंच उल्टी हो जाएगी, मतलब वी वन छोटा होगा और वी टू बड़ा होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, सी वाला ऑप्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया क्या? आगे, आगे। अगर यदि ये भी भूल जाए आपको तो याद रखना, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के पास में सबसे, सॉरी ये सूर्य है, सूर्य के पास में सबसे पहले कौन सा ग्रह है, बुध है, त्रिज्या कम है, तो जिसकी त्रिज्या कम है उसका वेग ज़्यादा होगा। बुध का जो समय अंतराल होता है 52 दिन में एक साल पूरा कर लेता है, और बुध के बाद कौन दूसरा है, शुक्र है, तो शुक्र का समय ज़्यादा लगता है, मतलब जिसकी त्रिज्या कम होगी वो सबसे तेज घूमेगा, है ना। फिर इसके बाद मंगल है, फिर पृथ्वी है, तो जो पास में रहेगा वो तेज घूमेगा। तो यहाँ पर त्रिज्या किसकी कम है, आर टू की, तो आर टू कम है इसलिए वी टू ज़्यादा होगा, वी वन कम होगा। चलिए तो करेक्ट आंसर ये है। अगला अगला क्या है क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम ऑन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक प्रक्षेप के परस्पर माध्यम के प्रतिरोध का प्रभाव। लियो भाई साहब, अगर हवा चलेगी, हवा गाढ़ी होगी, ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, अगर माध्यम गाढ़ा होगा तो प्रक्षेप का परास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा, बोलो। अगर हवा गाढ़ी होगी, हवा चल रही होगी इस तरफ से, घटेगा, तो माध्यम का प्रक्षेप अगर बगैर हवा के इतना था तो हवा चलने पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी डिक्रीज। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, 165 नंबर। क्षैतिज समतल पर महत्तम परास और तत्संबंधी प्रक्षेप कोण कितना है। भैया अब तत्संबंधी प्रक्षेप कोण बोल दिया, मतलब महत्तम परास के लिए प्रक्षेप कोण तो 45 डिग्री होगा, मतलब दोनों में से या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है। अब परास और निकाल लो, परास क्या होती है, मैक्सिमम, बच्चों को तो फॉर्मूला याद हो जाता है, मैक्सिमम परास का यू स्क्वायर बटे जी, अधिकतम परास का फॉर्मूला ही याद हो जाता है यू स्क्वायर बटे जी। सर सी होगा, सी आंसर, देखते हैं। बिल्कुल सही, अधिकतम परास का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बटे जी, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एक कण सरल रेखा में प्रारंभिक वेग u से गति करके दिशा त्वरण f के साथ गतिमान है, तीसरे सेकंड में चली गई दूरी बताओ। भैया बच्चों वाला क्वेश्चन काफ़ी बार करा रखा, u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन, सॉरी लगाइए फॉर्मूला, बोलिए आंसर क्या होगा। बोलो भाई इतना सरल क्वेश्चन, डी होगा सर, डी यू प्लस फाइव बाई टू एफ, बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि दिए गए प्रारंभिक वेग में कोई क्षैतिज प्रक्षेप समतल में महत्तम परास प्राप्त करता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। दिए गए प्रक्षेप के लिए समतल में महत्तम परास प्राप्त करता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। बी परास का एक बटे चार, बिल्कुल सही जवाब है, परास का एक बटे चार। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि परास महत्तम है, परास कह रहा है महत्तम है, महत्तम मतलब सबसे ज़्यादा है, अगर महत्तम परास है मतलब थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। अब मैंने आप लोग को आर और एच में फार्मूला बताया था, रतन चोर है, आर टेन थीटा बराबर 4h, तो भैया आर और टेन थीटा यानी टेन 45 की वैल्यू हो गई 1 बराबर कितना 4h, तो h बराबर कितना हो गया r बटे 4, मतलब एक चौथाई। तो करेक्ट आंसर किसका होगा, बी आंसर, है ना, एक बटे 4, नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही बी आंसर। आ गया समझ में, नहीं आया जवाब आने बंद हो गए, हो गया।
चलिए अगला सवाल सर। यस सर, आ गया सर। 170 नंबर सवाल। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दिए गए दीर्घवृत्ति का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? देखो रटने वाला क्वेश्चन है, आर लिखा है, आपको जड़त्व आघूर्ण याद करना है। प्रश्न क्रमांक 170 है, ठीक है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होती है? एक्स एक्सिस से दूरी जो होती है वो वाई वाला कोऑर्डिनेट होती है। एक्स एक्सिस से दूरी जो होती है वो वाई वाला कोऑर्डिनेट होती है ना। अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ द एलिप्स डिस्क गिवन बाई, इस तरीके से। तो समझो इसका डायग्राम कैसा, पहले ये समझो, इसका डायग्राम समझ लोगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। बस तो आपके पास में क्या है, मान लो कोई एलिप्स दिया गया, ये इस तरीके से एलिप्स दिया गया, ठीक है ना। और वो जो एलिप्स है इसकी त्रिज्या इस तरफ की कितनी होगी? ए। और इस तरफ की त्रिज्या कितनी है भाई साहब? बी। और ये जो एलिप्स है ये किसके अबाउट घूम रहा है? ये एक्स अक्ष पर घूम रहा है। मतलब ये जो एलिप्स है ये इस तरीके से घूम रहा है, जैसे कोई एक्स अक्ष में बीच में से छेद करके अंडे को घुमा दो। तो इसका जड़त्व आघूर्ण एक्स अक्ष के प्रत्यय कितना होगा? फॉर्मूला याद करो, आई बराबर होता है 1/4 एम, और त्रिज्या, तो त्रिज्या इसकी किससे काउंट होगी? एक्स अक्ष से कितनी है? बी। तो 1/4 एम बी स्क्वायर, रट्टा फॉर्मूला है 1/4 एम बी स्क्वायर, याद कर लीजिए 1/4 एम बी स्क्वायर। और अगर यही बोलता वाई अक्ष से तो ये एक्स अक्ष के अबाउट है, और अगर यही बोलता वाई अक्ष से तो क्या होता है? 1/4 एम ए स्क्वायर हो जाता, क्योंकि वाई अक्ष के प्रत्यय यदि घूमता तो त्रिज्या इसकी ए बन जाती, ठीक है। और अगर यही बोलता जेड अक्ष के प्रत्यय, मतलब बाहर वाले अक्ष के प्रत्यय ऐसे, तो आई जेड का फॉर्मूला लिख लो, होता है आई एक्स प्लस आई वाई, तो यही आंसर आता 1/4 एम कॉमन ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीनों बता दिया मैंने, एक्स अक्ष का, वाई अक्ष का, जेड अक्ष का। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जोड़ दो तो जेड अक्ष का आ जाता है मित्रों, ठीक है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। एक पिंड एक सीधी रेखा में समान त्रण से चलता है, वह तीसरे और चौथे सेकंड में 10 मीटर और 12 मीटर की दूरी चलता है, प्रारंभिक वेग समीकरण में बताइए। भाई वो 10वीं क्लास का चैप्टर था ना, क्या नाम था, सरल रेखा वाला चैप्टर, लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण, उससे होगा ये 171। जल्दी करो, 2 मिनट में बताओ क्या होगा, बताओ भाई प्रारंभिक वेग कितना होगा। नहीं बनेगा सर, नहीं आ रहा। चलो देखो भाई, देखो, देखिए इतने दिए गए सेकंड में दूरी दी गई है, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है। दिए गए सेकंड में दूरी का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू प्लस ए वाई टू टू एन माइनस वन। तो फॉर्मूला क्या लगना है इसमें, एस इक्वल टू यू प्लस ए वाई टू टू एन माइनस वन। तो पहला वाला क्या कह रहा भाई साहब, 10 मीटर और 12 मीटर, तो एक समीकरण 10 के लिए बनाना है, 10 समीकरण किस में चलता है, तीसरे में। तो u प्लस ए बाई टू, दो गुणे तीन छः माइनस वन बोले तो 5। तो पहला समीकरण कितना बन करके आ गया इसमें, देखो ध्यान से, 10 बराबर u प्लस 5 ए बाई टू, तो दो को इधर ले जाओ, तो 20 बराबर कितना हो गया, 2 u प्लस 5 ए। ये समीकरण नंबर एक अपने काम का। दूसरा, अगला क्या कह रहा, 20 मीटर चल रही ना, 12 मीटर, तो 12 मीटर कितने में, u प्लस ए बाई टू, समय कितना दिया गया है, 4 सेकेंड। तो 2 चौके 8 में से 1 गए कितना, 7। तो ये कितना बन गया भाई साहब, ये बन गया अपने पास, उचट के 2 गया तो 12 दूनी 24 बराबर 2u प्लस कितना, 7a। चलिए दोनों को सॉल्व कर दो, समीकरण नंबर 2 माइनस 1,
तो दो पहला कितना है, 24 बराबर 2u प्लस 7 ए, और पहला है 20 बराबर 2u प्लस 5 ए। तो ये माइनस करा 4, इधर कैंसिल, साथ में से 5 गए 2a। ए बराबर कितने मीटर पर सेकंड आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई, बट अपन को प्रारंभिक वेग चाहिए, तो ए की वैल्यू छाप दो किसी भी इक्वेशन में, इसमें छाप दो। तो 20 बराबर 2u प्लस 5 गुणे 2 यानी कि 10, तो इधर बच्चा 10 बराबर 2u यानी u बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन होगा आंसर। देखते हैं जी, बिल्कुल सही जवाब सी आंसर है। समझ में आया जी सर? आगे फोटो खींच लो। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल सही नहीं आ रहा था, इसको छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 176 पहुंचो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 176, 176। यदि एक कण ए त्रिज्या वाले एक वृत्त पर वी वेग से और कोणीय वेग ओमेगा से गतिमान है, तो अभिलंबी त्वरण का मान क्या होगा? अभिलंब त्वरण यानी कि अभिलंब की तरफ लगने वाला त्वरण। आ जाओ भाई देख लो, ये वृत्तीय गति होती है, वृत्तीय गति में अभिलंब की तरफ लगने वाला बल होता है F बराबर अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, सब लोग जानते हो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण एम गुणे ए सी, सी मतलब सेंटर की ओर लगने वाला त्वरण, बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर। एम से एम हो गया कैंसिल, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्री त्वरण बन गया कितना, वी स्क्वायर अपॉन आर। चलो अब देखो, दो तरीके का वेग होता है कण का, एक जो सरल रेखा में गति करता है उसको बोलते हैं रेखीय वेग, और एक जो जैसे यहाँ पे है और चल करके थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा, तो एक गोल गोल घूमने वाला वेग होता है उसको बोलते हैं कोणीय वेग। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध लिख लो, नोट कर लो, वी बराबर त्रिज्या गुणे ओमेगा, रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय वेग, तो वी बराबर होता है आर ओमेगा। तो ए सी बराबर हो जाएगा कितना, आर ओमेगा का होल स्क्वायर बटे आर। तो ये बन गया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे आर, एक आर से एक आर कैंसिल, आंसर आया ओमेगा स्क्वायर आर। तो पिछले वाले क्वेश्चन में त्रिज्या शायद हमको ए दिया गया है, तो आंसर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए, डी ऑप्शन। चेक करते हैं, बिल्कुल सही डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है मित्रों? हेलो, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, ये तो मेरे को याद हो चुका है इसका आंसर। एक बिंदु क्षैतिज 60 और 30 के झुकाव से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित की जाती हैं, समान ऊंचाई पर पहुंचती हैं, तो उनके प्रक्षेप वेगों का अनुपात बताओ। बोलो भाई क्या होगा? बी बी सर, बी होगा, डी आंसर। 1:2 कि बी? नहीं, 1:3, बिल्कुल सही आंसर है, 1:3। ठीक है ना, प्रक्षेप वेगों का अनुपात बराबर, ठीक है ना, साइन थीटा 1/sin θ2 का स्क्वायर, तो 1/√3, याद हो चुका। अगला क्वेश्चन बेहद इजी, बता दो भाई बिल्कुल। चौथे सेकंड में तो u प्लस ए बाई टू, यू प्लस ए बाई टू, टू एम, टू एन माइनस वन, तो 2×4 हुआ कितना, 8 में से 1 गए 7, तो इसका आंसर होगा डी। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यदि कृषि प्रक्षेप पर क्षैतिज प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई 4√3 गुना हो, तो बोलो भाई प्रक्षेप कितना होगा। बहुत ही सिंपल, रतन चोर है। बोलो भाई, नहीं बना क्या? नहीं यार, क्षैतिज परास की प्राप्त ऊंचाई महत्तम ऊंचाई का 4√3 गुना है। देखो भाई, सी होगा सर। देखो क्षैतिज परास की प्राप्त ऊंचाई मतलब जो h है वो r का कितने गुना है, 4√3 गुना है, ठीक है ना। तो चलिए अपने पास क्या होता है, रतन चोर है 4h, तो r tan थीटा बराबर 4 मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी है, r इंटू 4√3। एक मिनट, कुछ गलती कर दी अपन ने, एक बार पढ़ लें। यदि किसी प्रक्षेप का क्षैतिज परास प्राप्त ऊंचाई महत्तम ऊंचाई का 4√3 गुना है, मतलब h जो है
महत्तम ऊंचाई का, अच्छा क्षैतिज परास है चार गुना, तो आर बराबर है एच गुणे फोर रूट थ्री, ये आर है ठीक है ना, तो फोर एच तो यथावत रहेगा और आर की जगह एच गुणे फोर रूट थ्री चलेगा, एच से एच हो गया कैंसिल, फोर से फोर हो गया कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर बन गया कितना, वन बाई रूट थ्री, आंसर थीटा बराबर कितनी डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री बिल्कुल सही। अगला सवाल, दो कण एक दूसरे के लंबवत सरल आवर्त गति कर रहे हैं, उनकी अवधि समान है, तो बताइए कण का पथ क्या होगा। सोचिए एक दूसरे के लंबवत सरल आवर्त गति कर रहे हैं तो इनका पथ क्या होगा। 181 क्वेश्चन चल रहा है, 181, उनका पथ क्या होगा। ए पार्टिकल पजे सिंपल हार्मोनिक मोशन परपेंडिक हैविंग द सेम पीरियड डिफरेंट फेज एंड एम्पलीट्यूड, मतलब दोनों के जो परिमाण हैं वो अलग अलग हैं। देखो भाई साहब ट्रिक याद कर लो, ट्रिक ये है कि लंबवत दिशा में मोशन करने पर अगर परिमाण दोनों के समान हैं तो क्या होगा, वृत्त होगा, और दोनों के परिमाण अगर अलग अलग हैं तो क्या होगा, एलिप्स, यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में एलिप्स को, दीर्घवृत्त होगा, दीर्घवृत्त। अब ये कैसे बनेगा देख लो, ये भी जान लो भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति का समीकरण होता है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, ये पहला, ये पहली आवर्त गति ले लो नंबर एक, दूसरी आवर्त गति क्या ले लो, वाई बराबर बी साइन ओमेगा टी। अब आप कहोगे सर आपने एक एक्स ली एक वाई ली, क्यों ले ली, क्योंकि एक आवर्त गति एक्स अक्ष में हो रही है और एक दूसरे उसके लंबवत हो रही है, तो एक ले लो वाई दिशा में, तो दोनों आवर्त गति अपन ने क्या ले ली, एक दूसरे के लंबवत है ना, एक एक्स में ले ली और एक वाई में ले ली, वाई वाली कॉस ओमेगा टी लेना पड़ेगा क्योंकि लंबवत के लिए साइन के फेज में 90 डिग्री जुड़ जाएगा, तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी बराबर कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो मित्रों, नहीं आया समझ में, होगा सर, एक्स बराबर ए साइन लंबवत कह रहा ना ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, तो वाई बराबर कितना हो गया न, मतलब जो नई वाली गति आएगी वाई बराबर ए साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगी, और परिमाण एक का ए है दूसरे का बी है, क्योंकि खुद क्वेश्चन ने कहा है कि इनके जो वो हैं अलग अलग हैं आयाम, आयाम अलग अलग हैं, तो एक समीकरण ये आ गया एक समीकरण ये आ गया, दोनों को जोड़ दो स्क्वायर करके, चलिए दोनों को जोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये जो समीकरण बनता है ये किसका बनता है, ये बनता है समीकरण एलिप्स का यानी कि दीर्घवृत्त का, नोट कर लो ठीक है, ये जो समीकरण बनेगा ये समीकरण दीर्घवृत्त का बनेगा, नोट कर लीजिए। चलिए सर अब रहने दीजिए, खाना बनाना है।